शहर हैदराबाद में ट्रैफिक जाम होने के वैसे तो कई वजूहात है, लेकिन सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि शहर हैदराबाद की सड़कों पर घूमती हुई आवारा भैंसें राहगीरों के लिए दर्दसर बन गई है। जी हाँ, जिसकी एक झलक आप हल्का नामपल्ली का मोहल्ला मल्लेपल्ली में देख सकते हैं, जहाँ आवारा भैंसें सड़कों पर घूमते हुए ट्रैफिक के निजाम को दिरहम बिरहम कर रही है। और इन आवारा भैंसों के मालिकीन अपने घरों में आराम की नींद सो रहे हैं और फिर महकमे बल्दिया की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारे शहर हैदराबाद में दिन में भैंसों की वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है और रातों में आवारा कुत्तों के हमलों की वजह से शहर हैदराबाद में खौफ हिरास की लहर दौड़ी हुई है। और मौजूदा वक्त में शहर हैदराबाद में अगर कोई सरकारी शुबा सवालात के कठेरे में खड़ा है तो वो महकमे बल्दिया है, क्योंकि महकमे बल्दिया की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से शहर हैदराबाद की अवाम परेशान है। बिलखसूस हल्का नामपल्ली के सियासी कायदीन को चाहिए कि इन आवारा भैंसों के मालिकीन पर सख्त कार्रवाई करते हुए इन पर जुर्माना लगाएं, ताकि ट्रैफिक जाम होने के वजूहात में कमी हो सके। उम्मीद है कि हल्का नामपल्ली के हरदिल अजीज एमएलए जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब और मल्लेपल्ली डिवीजन और विजयनगर डिवीजन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स इस मामले में फौरी तवज्जो देंगे और अवाम को पेश आने वाले मसाइल का फिलफौर हल निकालेंगे और महकमे बल्दिया की खबर लेंगे। और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आप रहें पल पल बाखबर।